रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में गृह मंत्री तामराधवज साहू ने जांच के निर्देश दिए। एसीएस होम को जांच के निर्देश दिए गए। दूसरे जिले के पुलिस अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। जांजगीर जिले में आरक्षक पुष्पराज सिंह पदस्थ था और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा, जिसके बाद अब गृह मंत्री ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। एसीएस होम को जांच के निर्देश उन्होंने दिए हैं। दूसरे जिले के पुलिस अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत मामले में गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लगातार इस पर जांच की बात की जा रही थी, कई तरह के सवाल उठने लगे थे और ये जो पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ रहा था। अब इस पूरे मामले में गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। और जांच के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। एसीएस होम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे जिले के पुलिस अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए गए। तो जांच के बाद जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। जांजगीर जिले में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह, जिसकी मौत हो गई है, संदिग्ध मौत जिसे माना जा रहा, और इस पूरे मामले में अब गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने जांच के आदेश निर्देश इस पूरे मामले में दिए हैं। चलिए तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। तहसीन, आरक्षक की मौत के मामले में गृह मंत्री ने अब जांच के आदेश दिए हैं। तहसीन, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि यह मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा था और कई सवाल भी उठने लगे थे, अब आरक्षक की इस मौत के मामले में गृह मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जांजगीर चांपा जिला है, वहां पे जो आरक्षक पुष्पराज सिंह की जो संदिग्ध मौत हुई थी, उसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से परिवार भी लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा था, उसके बाद जो है गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू है, उन्होंने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद एसीएस होम जो है सुब्रत साहू जी, उनको निर्देश जांच के निर्देश दिए हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो रेंज आईजी हैं उनको इस बात के लिए निर्देशित करें कि दूसरे जिले के जो एक पुलिस की विशेष टीम बनाए और पुलिस की जांच जो है विशेष टीम जो है वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस जो मामला है, जो आरक्षक की मौत का जो मामला था, उसके बाद जिस तरीके से उसने अपने सोशल मीडिया में इस बात का उल्लेख किया था कि उसपे उसकी उसका मर्डर हो सकता है, उसके साथ कुछ अनहोनी घट सकती है, तो उसके बाद जो है इसको गंभीरता से लिया गया है। और उसके बाद जो ये गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है कि उसमें जांच के लिए एक विशेष टीम निर्देश किया है कि उसके द्वारा विशेष टीम के द्वारा इसमें जांच कराया जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। लेकिन जिस तरीके से ये इस आरक्षक की मौत के बाद जिस तरीके से और जो बाकी जो पुलिस जवान हैं उनमें भी जिस तरीके से बातचीत का एक दौर चल रहा था, चर्चा का विषय इसमें था, तो उसके बाद अब जिस तरीके से जांच होगी, अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जांच किस तरीके से होती है। और क्योंकि कई बड़े सवाल खड़े हुए थे, कई जिस तरीके से वो खुद आरक्षक जो पशुराज सिंह है वो इस बात के खुलासा करने की तैयारी में था कि वो जो जिले में कुछ बड़ा जो चल रहा है, कुछ गड़बड़ जो चल रही विभाग में, उसका एक मामले का खुलासा करने के लिए वो तैयार था। लेकिन उसके बाद अचानक से उसकी एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, तो उसके बाद कई बड़े सवालिया निशान खड़े हुए थे। फिलहाल अभी ये देखने वाली बात है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। जी चलिए, तहसीन निश्चित रूप से ये देखना होगा कि किन किन बिंदुओं पर सबसे पहले तो जांच इस पूरे मामले में की जाती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।